একটা সিন নিলো পোলা। वही है ना, अपनों को जाना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया COVID-19 इस वायरस से लड़ने में परेशान है और हम देख रहे हैं कि आज हम सब इस बीमारी के चलते आज इतना ख़तरनाक लॉकडाउन चल रहा है। बच्चे अपने घरों में कैद हैं, आज बच्चों की तालीम पूरी तरीके से रुक गई है, आज स्कूल पूरे बंद है। और यही एक दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारे पास शुरू किया गया था कि माजा कचरा माजी जवाबदारी, और आज हमारी हुकूमत ने शुरू किया है कि मेरा परिवार मेरी जवाबदारी। तो हम देखेंगे कि अब कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे अपने स्कूलों को जाना शुरू करेंगे। तो हम आज देख रहे हैं कि हमारे रहमानिया कॉलोनी परिसर में आज बहुत ही गंदगी का राज है, और स्कूल के पास 5 साल पहले एक कचरा पीट तैयार किया गया था, आज वहाँ पे बहुत गंदगी जमा हो चुकी है जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और कुछ दिनों के बाद बच्चे जब स्कूल में आएंगे, इसलिए आज हमने ये तय किया है और यहाँ के मोहल्ले वालों ने भी तय किया है कि इस कचरे को सबसे पहले हटाया जाए। और रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से देखें कि पीने के पानी की टाँकी के पास कचरा बिल्कुल भी नहीं डाला जा सकता, और यहाँ पर तो कचरे का पीट बिल्कुल तैयार है और वहाँ पर ट्रकों से आज कचरा जमा हो चुका है। तो आज से हमने एक ये कचरा हटाकर एक अभियान की शुरुआत की है कि माजी शाड़ा माजी जवाबदारी। और इसमें ये आता है कि यहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों का ये काम है कि अपने बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उसके अतराफ का पूरा इलाका साफ रखें, और ताकि हमारे बच्चों की सेहत को उसका नुकसान ना पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगी तमाम माँ बहनों से कि कचरा घंटा गाड़ी में ही डालें, कचरे को इधर उधर ना डालें, कचरा घंटा गाड़ी में ही डालें, इससे क्योंकि अपने बच्चों की सेहत जुड़ी है।
रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।